हेलो साथियों, चावड़ा सा लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए इस वीडियो में 12th रसायन शुरुआत कर रहे हैं। 12वीं रसायन 2022-2023 सेशन के लिए हम 12वीं का पूरा रसायन पार्ट एक से टॉपिक टू टॉपिक यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं इस पार्ट की बेसिक बातों से। रसायन 12th अध्याय एक, अध्याय का नाम है ठोस अवस्था। एनसीईआरटी सिलेबस जितना भी है, एमपी बोर्ड हो, अदर स्टेट हो, एनसीईआरटी जो सिलेबस जहां जहां चलता है उसमें ये टॉपिक जरूर होगा फर्स्ट नंबर पे, ठोस अवस्था। वैसे सारे सिलेबस में ठोस अवस्था जरूर होता है, पर एनसीईआरटी टॉपिक का फर्स्ट, मतलब सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक क्या है, ठोस अवस्था है पहली बुक का। तो हम लोग ठोस अवस्था तक पहुंचे उसके पहले मैं बात करता हूं। आप लोगों ने 11वीं में पढ़ रखा होगा, 11th में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ दैट मीन्स द्रव्य। द्रव्य को हम पदार्थ बोलते हैं, जो तीनों रूप में होता है, ठोस, द्रव्य, गैस, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थ की परिभाषा होती थी कि कोई वस्तु अगर स्थान घेरती है, अगर उसे महसूस किया जा सकता है, उसमें द्रव्यमान होता है तो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मैटर या पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो ये जो चैप्टर है वो उसी की एक अवस्था है पदार्थ की, ठोस अवस्था। पर ये किस टाइप से बना उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ की गतिशीलता के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। पदार्थ के अवयवी कणों की गतिशीलता, आप लोगों ने देखा होगा, ठोस चीज जैसे पत्थर ले लें, पत्थर के अवयवी कण, पत्थर भी कणों से मिलकर बना हुआ है, बारीक बारीक कण से मिलकर बना होता है। या कोई भी चीज, ठोस चीज हो, वो अवयवी कणों से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे ही जल होता है, द्रव होगा, पानी वगैरह होगा, तो वो भी कुछ ना कुछ कण से मिलकर बना है। और गैस है तो वो भी कणों से मिलकर बनी होती है। तो तीन अवस्थाएं होती है गति, उनके कणों की गतिशीलता के आधार पर, कौन कौन सी, गैस अवस्था, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। अब गैस अवस्था में क्या होते हैं, गैस अवस्था में उसके कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। आप देखना, अगर मान लो हमने हवा में कण देख नजर आ सकते हैं आप लोगों को, कि गैस के डायरेक्टली कण हमको यूं नजर नहीं आएंगे, पर गैस के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं, पर वो तेजी से क्या करते हैं, इधर उधर गति करते हैं। आप लोगों ने 11वीं कक्षा के 4 या 5 पार्ट में जरूर पढ़ा होगा गैसों का अणुगति सिद्धांत, उसमें बता रखा है। उसके बाद बात करते हैं ठोस अवस्था। तो देखो, जो गैस के जो कण होते हैं वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, जो ठोस के कण होते हैं वो बिल्कुल भी गतिशील नहीं होते हैं। पत्थर है, पत्थर के कण क्या गतिशील होंगे, मान लो सपोज हमारी ये दीवार है इसके पीछे, तो वो उसकी कण गतिशील नहीं है, नहीं तो ये दीवार डोलने लग जाती, ठीक है। ये धरती है, ये भी हम मान सकते हैं ठोस अवस्था में, तो ये भी इसके अवयवी कण निम्नतम गतिशील होते हैं, पर कम निम्न, बहुत निम्नतम। और सर्वाधिक और निम्नतम, मतलब अधिक गतिशील और कम गतिशील के बीच की जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, द्रव अवस्था होती है। तो ये तीन अवस्थाएं बताई हमने, गैस अवस्था, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, ठोस अवस्था से रिलेटेड है। एक बात और इन तीनों के बारे में बता देता हूं कि पदार्थ की द्रव और गैस जो अवस्थाएं हैं, मैं औद्योगिक कणों के मध्य जो अंतर होता है, अंतर कण बल होता है या अंतर आकर्षण बल जो होता है, अंतर कण बल मतलब अंतर आकर्षण बल, ठीक है, उनका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, वो जो होता है वो जो दुर्बल होता है, किसके अंदर, द्रव में और गैस में। द्रव और गैस में क्या होता है, अंतर कण बल दुर्बल होता है, पर ठोस में क्या होता है, अंतर कण बल प्रबल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ईंट देख लो, पत्थर देख लो, उसके जो अवयवी कण होते हैं वो स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, जबकि गैस और पानी के अंदर अपन हाथ डाल सकते हैं, पानी में भी हाथ घुमा सकते हैं, गैस के अंदर से भी, जैसे यहाँ पे भी वायु वगैरह है तो उसके अंदर हम हाथ घुमा सकते हैं, पर किसी ठोस चीज के अंदर, मान लो ये बोर्ड है, मैं इसके अंदर हाथ घुसने की कोशिश करूंगा तो इसके अवयवी कण क्या है, पास पास चिपके हुए, तो इसके अंदर हाथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर कण बल जो होता है वो द्रव और गैस में क्या होता है, दुर्बल होता है, जबकि ठोस के अंदर अंतर कण बल क्या होता है, प्रबल होता है। और इसके आगे हम और इनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने बताया कि ठोस के जो अंतर कण बल होता है वो क्या होता है,
प्रबल होता है, तो उसी बात पे दो पॉइंट और बनते हैं कि ठोसों के कण गतिशील तो होते ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको पास पास होते हैं, तो ठोसों के कण गतिशील नहीं होते हैं, लेकिन वह अपनी जगह क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ठोसों के कण क्या करते हैं, अपने अंदर स्थिर जगह पे वाइब्रेशन करते हैं। अवयवी कणों की स्थिरता पदार्थ की ठोस अवस्था को दृढ़ता और निश्चित आकृति प्रदान करती है। मतलब जो अवयवी कण है वो जो स्थिर होगा, जैसे मान लो दीवार है, दीवार स्थिर है, तो वो क्या करती है, इसको एक दृढ़ता और निश्चित आकृति भी ठोस को प्रदान करती है। तो ये चार पांच बातें हो गई, मैं आपको एक लाइन से बता देता हूं कि ठोसों के क्या क्या लक्षण हो जाएगा, ठोस अवस्था के क्या क्या लक्षण होंगे। ठीक है, तो देखिए पदार्थ की जो ठोस अवस्था के जो लक्षण है वो पांच है, हमने खैर सारे आप लोगों को एक एक करके बता दिए, पर लाइन से बता देता हूं। अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरकण, मैंने बोला कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि उसके जो अवयवी कण है उनके मध्य क्या होता है, अंतरकण जो बल होता है वो क्या होता है, प्रबल अंतरकण बल होता है। मतलब जो पावरफुल जो अट्रैक्शन बल है वो क्या होता है, उनका पावरफुल होता है। दूसरा, अवयवी कणों के मध्य निम्नतम दूरी, अगर देखो अगर अट्रैक्शन प्रबल होगा, अगर उनकी दूरी गैप नहीं होगी तो दूरी होने का सवाल ही नहीं उठता, इनके मध्य निम्नतम दूरी होती है। ठीक है, तीसरा, पदार्थ की निश्चित आकृति, क्योंकि अगर बिखरेगा नहीं, अगर कण पास पास होंगे तो पदार्थ बिखरेगा नहीं, और अगर पदार्थ बिखरेगा नहीं तो उसकी आकृति क्या होगी, निश्चित होगी। अवयवी कणों का स्थिर रहते हुए अपने स्थान पर कंपन करना, हमने ये बात भी पढ़ी थी कि अवयवी कण स्थिर रहते हुए अपनी जगह क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। और दृढ़ता और असंपर्णनीयता, ठीक है, दृढ़ता और असंपर्णनीयता होती है। तो ये पांच पॉइंट हो गए, कौन कौन से, एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहला, अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरकण बल। दूसरा, अवयवी कणों के मध्य निम्नतम दूरी। तीसरा, पदार्थ की निश्चित आकृति। चौथा, अवयवी कणों का स्थिर रहते हुए अपने स्थान पर कंपन करना। और पांचवा, दृढ़ता व असंपर्णनीयता। ठीक है, तो ये पांच लक्षण किसके हो गए, पदार्थ की ठोस अवस्था के लक्षण। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, शुरुआत हम धीमे कर रहे हैं, छोटे वीडियो से कर रहे हैं, एक समय और जब लय आप लोग पकड़ चुके होंगे तब हम बड़े बड़े वीडियो भी आप लोगों को देंगे। कंटिन्यूअस वीडियो डालने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप लोगों ने हमारा पहले भी बहुत साथ दिया है, 11th में भी आप लोगों ने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, जब प्रश्न बैंक आई थी तब भी हमारे खूब वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। तो आई होप आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।